आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम और स्पोर्ट्स कॉलेज स्थित कोविड वार्ड का निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। कहा, जनपद में बढ़ाई जाए बेडों की संख्या। दो दिवसीय दौरे पर रविवार को अपने गृह जनपद पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुरु गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना के साथ लिए ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ का आशीर्वाद। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए शासन के निर्देश पर 17 मई तक बढ़ाया गया आंशिक कर्फ्यू। SSP ने कहा, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई पर रहेगी छूट, बेवजह घूमने वालों पर होगी विधिक कार्रवाई। जिलाधिकारी जिला मजिस्ट्रेट के विजय पांडेय ने COVID-19 से संक्रमित रोगियों के इलाज हेतु उपयोग में लाए जाने वाले एम्बुलेंस के किराए की दरों को किया निर्धारित। बनाया SP ट्रैफिक तथा ARTO प्रशासन को नोडल अधिकारी। कहा, मरीज परिजन से निर्धारित किराए से अधिक धनराशि वसूलने पर होगी दंडात्मक कार्यवाही। प्रदेश सरकार ने 17 मई तक बढ़ाया आंशिक कर्फ्यू। ADM फाइनेंस ने कहा, पहले की तरह ही जारी रहेगी सभी सेवाएं। गोरखपुर में रविवार को मिले 985 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 2 की हुई मौत। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 49,682। अब तक 522 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 8,082 हो गए एक्टिव मरीज। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। सादगी से मनाया गया वीरता और शौर्य के प्रतीक महाराणा प्रताप की जयंती। नगर आयुक्त ने माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। कहा, महाराणा प्रताप से वर्तमान युवा पीढ़ी ग्रहण कर सकती है बहुत सी प्रेरणा। आंशिक कर्फ्यू का रविवार को भी रहा असर। रात्रि में भी आंशिक कर्फ्यू का पालन करवा रही है पुलिस। वाहन चेकिंग कर बेवजह घूम रहे लोगों पर कर रही है विधिक कार्यवाही। CEO कैंट ने कहा, जनता करे कर्फ्यू का पालन जिससे पाया जा सके कोरोना संक्रमण पर काबू। कोरोना आंशिक कर्फ्यू में नगर निगम का जारी रहा सैनिटाइजेशन का महाअभियान। महिवा मंडी समेत विभिन्न क्षेत्रों को किया गया सैनिटाइज। और रविवार को आंधी पानी के साथ गिरे ओले, लोगों को मिली उमस भरी गर्मी से राहत। आपदा विशेषज्ञ ने कहा, नहीं हुई कोई जनहानि।